अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो यार? अच्छे हो? फिर से एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है, बड़ा जरूरी मुद्दा है कि आजकल जो हम गाड़ियां बड़ी बड़ी BMW, Volkswagen, Mercedes, Toyota, ये सारी कंपनीज जो है ये हमारी गाड़ियां बुलाती तो है सर्विस में, लेकिन उसकी सर्विस ठीक से नहीं करती। उसके अंदर क्या पार्ट डालती है, क्या नहीं डालती, इसका बड़ा मसला है। बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है। और अब तो ये हो गया कि लोग गाड़ियां 8-10 दिन तक रख लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो 8-10 दिन 12 दिन गाड़ी तुम्हारी रखी, उसमें से कोई गाड़ी चोरी हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी भी ये लोग नहीं लेते। ऐसा ही किस्सा हमारे भाई उमर के साथ हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी को कंपनी में बनाने के लिए दिया। कंपनी में अगर तुम कोई गाड़ी किसी को देते हो कंपनी के अंदर, तो वो गाड़ी की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी की होती है कि कंपनी ने वो गाड़ी वहां पे अपनी जिम्मेदारी पे ली है। अब जब आप वो जाओगे गाड़ी लेने के लिए, तो कंपनी वो गाड़ी वापस देगी। तो अहमदाबाद में हमारे भाई ने गाड़ी डाली, Volkswagen, और गाड़ी डालने के बाद जब वो गाड़ी अपनी 10 दिन के बाद लेने गए, तो बोले सर आपकी गाड़ी चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। और आगे का जो मुद्दा वो खुद तुम्हें बताएंगे। बताइए क्या हुआ? पहले तो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो इन लोगों ने मेरे को बताया 3 दिन के बाद कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। 3 दिन के बाद ये लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ये ने खेल लगा रहे हैं गेम की तरह कि मैनेजर बोल रहा है भाई जनरल मैनेजर से मिलो, जनरल मैनेजर बोलता है भाई सीईओ से मिलो, सीईओ बोलती है ओनर से मिलो, और ओनर इतनी रूड कि डायरेक्टली मेरे को बोलती है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले। ओनर का नाम है गरिमा मिश्रा। ये ओनर भी कैसे बनी कि ये एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनी, मैनेजर से सीईओ बनी, सीईओ से पार्टनर बन गई, और कैसे बनी वो भी अल्लाह जाने। इतनी रूड है ये कि मेरी गाड़ी के पैसे बोले इंश्योरेंस कंपनी से तुम ले लो, मैं तो कुछ नहीं दूंगी बोले। अगर ये गाड़ी रस्ते में से चोरी हो जाती तो बोले क्या होता है? अगर गाड़ी कंपनी से चोरी हुई तो कंपनी की जिम्मेदारी है और कंपनी पूरे हाथ उठा रही है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, Volkswagen की कंपनी तक ये वीडियो पहुंचाए यारो, और अपनी अपनी गाड़ियों का भी ध्यान रखिए, जो गाड़ियां कंपनी में जाती है उनका भी ध्यान रखते। और आप जनता से क्या चाहते हो बताइए, Volkswagen से आप क्या चाहते हो? Volkswagen बहुत बड़ी कंपनी है, पर इसके डीलर हैं अहमदाबाद के ऑटोमार्क। ऑटोमार्क ये मर्सिडीज का भी शोरूम हैंडल करते हैं, होंडा सिटी का भी होंडा का भी करते हैं, और Volkswagen का भी करते हैं। मेरी गाड़ी 8 साल से यहाँ पे जा रही है, करीबन 25 लाख रुपए तो मैंने इन लोगों को सर्विस के पे किए होंगे। उसके बाद ओनर इतनी रूड है, गरिमा मिश्रा और मंजीत सावंत, ये दोनों मिलके पूरी गेम खेल लगा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी इन लोगों ने ऐसा सेटिंग किया था कि कंप्लेन भी इनके थ्रू हो कि हमारे यहाँ से चोरी हो गई और अनजाना आदमी गाड़ी ले गया। अब वो दादागिरी कर रही है गरिमा मिश्रा कि भाई तुमसे हो वो कर लेना, मैं तो खाली 1 लाख रुपया दूंगी इंश्योरेंस के पैसे के ऊपर, जबकि इंश्योरेंस तो मैंने खुद भरा है, तो उसकी मुझे गरिमा मिश्रा की क्या जरूरत है? तो वो यानी कुछ देना नहीं चाहती। इन शॉर्ट वो अपने हाथ उठा रही है, बोले भाई जो हो वो तोड़ लो। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये ऑटोमार्क कंपनी की जो ओनर है, ये इतनी जो एट रही है, ये वीडियो Volkswagen तक पहुंचे और Volkswagen खुद इन लोगों पर एक्शन ले। और वैसे ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस तरह से मैं ये काम करता हूँ कि इस तरह जिनके साथ गलत होता है, गाड़ी बहुत मुश्किल से आदमी लेता है, बहुत मेहनत करके लेता है, अपना एक सपना होता है, और उस चीज को कंपनी में ही चोरी हो गई और उसके बाद उन्हें ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े लोग है, ये गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को तो बिल्कुल कचरा समझते हैं। और क्या है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनका सपोर्ट फिर पुलिस करने लगती है, फिर सारा चीज इनके पास रहती है। तो हम तो क्या, मिडिल क्लास लोग जो रहे वो बीच के रह जाते हैं, और ना वो ऊपर जा सकते हैं और ना नीचे जा सकते हैं। इसका मतलब बीच में दब के मर जाओ तो आदमी क्या करेगा अपने हक के लड़ने के लिए? अब क्या ये जाके वहां पे तोड़फोड़ करे, क्या वहां पे उसको मार दे? अगर ये करेंगे तो फिर इनको पुलिस में डाल दिया जाएगा, फिर इनके घर कौन चलाएगा, इनके बच्चों का क्या? तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम गरीबों के, मिडिल क्लासों के,
बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम नहीं उठाते हैं क्योंकि इसमें हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये फॉक्स वेजन पहुंचे। और जोमैटो वालों का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है आप लोगों की दुआ से। आपने बहुत शेयर किया और बहुत बहुत अच्छा किया। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सवाल रखना।